धरमजयगढ़ वन मंडल में हाथी मानव द्वंद्व के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। आज फिर हाथी के हमले से एक वृद्ध महिला के घायल होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र के बागडाही जंगल में हाथियों ने वृद्ध दंपति पर हमला किया, जिससे महिला घायल हो गई। उक्त घायल महिला को इलाज के लिए धरमजयगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बागडाही निवासी साध मोती अपने पति इंजोर सिंह के साथ जंगल की ओर तालाब में मछली पकड़ने गई थी। उसी समय अकस्मात एक हाथी ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। गनीमत रही कि हमले के बाद हाथी जंगल की ओर चला गया, जिसके बाद वहां मौजूद महिला के पति ने गांव वालों को घटना की जानकारी दी। इंजोर सिंह ने बताया कि उन्हें हाथी की मौजूदगी की जानकारी नहीं थी। फिलहाल घायल महिला का उपचार किया जा रहा है। वहीं वन विभाग की ओर से पीड़ित को तत्कालिक सहायता राशि 1000 रुपए मुहैया कराई गई है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए धरमजयगढ़ से ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट। अमनार विकास खंड के पड़ीगांव में हेल्थ वेलनेस आयुष भारत के अंतर्गत बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में एजेंसी द्वारा भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। आपको बता दें, उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में एजेंसी के द्वारा निर्धारित मापदंडों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र के बाउंड्री वॉल निर्माण में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार जमकर किया जा रहा है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि दुर्गेश राठिया ने गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए कार्य बंद करा दिया है। साथ ही कार्य एजेंसी से गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने से आंदोलन की चेतावनी भी दी है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए तमनार से नरेश राठिया की रिपोर्ट। लैलूंगा के दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार। आपको बता दें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय जसपुर के दिव्यांग बालिकाओं के आश्रम के निरीक्षण के बाद सीधे रायगढ़ जिले के लैलूंगा पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां पर व्यवसायियों द्वारा उन्हें दोहरे हत्याकांड के मामले में अवगत कराया गया तथा पुलिस की कार्रवाई पर भारी असंतोष व्यक्त किया गया। इस मामले में जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई हुई है, उससे नगर के व्यवसायी एवं परिजन बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नगर वासियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा मामले का खुलासा बिल्कुल कहानी की तरह सुनाया गया है। 12 से 15 साल के बच्चों द्वारा इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड करना संदेह के दायरे में है। छत्तीसगढ़ में इस तरह बढ़ते अपराध पर नंद कुमार साय ने भारी नाराजगी जताई तथा वर्तमान सरकार के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रणहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां छत्तीसगढ़ शांति व्यवस्था का प्रतीक माना जाता था, वहीं वर्तमान में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मामले में छत्तीसगढ़ अन्य कई राज्यों से भी ऊपर उठ गया है। जसपुर एवं लैलूंगा में हुए अपराध के मामले में एक समानता पाई जा रही है कि यह सारे अपराध शराब के नशे में हो रहे हैं, और सरकार नशाबंदी का वादा करके घर घर शराब की होम डिलीवरी करवा रही है, जिससे प्रदेश में अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। फिलहाल लैलूंगा के दोहरे हत्याकांड के मामले में नंद कुमार साय ने भी असंतोष व्यक्त किया है और उन्होंने अलग से SIT गठन करके इस मामले की जांच करने की बात कही है। तो भविष्य को लेकर के क्या कुछ चिंता जताते हैं कि आदिवासियों के साथ इस तरह से गंभीर मामले और भी अपराध होते जा रहे हैं, जिसमें आदिवासियों को कोई न्याय नहीं मिलता है, इस समय क्या करते हैं? ये तो बहुत बड़ी घटना है, कहीं पर छोटी हो, जनजातियों के साथ हो या किसी भी समाज के लोगों के साथ हो, हम छत्तीसगढ़ के लोग, सारा समाज हमारा एक है। किसी के साथ भी कोई भी प्रकार की घटना अगर घटती है तो उसके अपराध ही पकड़े जाने चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। और इस स्थिति में सबसे बड़ी भूमिका नंबर एक में सरकार की है, दूसरे नंबर में प्रशासन की है, पुलिस की है। ये सब अपनी भूमिकाओं में संपूर्ण तन्मयता और पूरी शक्ति से लगे हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए लैलूंगा से चंद्रशेखर जायसवाल की रिपोर्ट।